तो सबसे पहले हम बेस लाइन से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद आप देख सकते हो कि बॉडी बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे स्ट्रेट है, और उसके बाद यहां पे शोल्डर्स हैं, और शोल्डर से जो नेक तक का पार्ट है उसकी ऊंचाई भी ऑलमोस्ट बॉडी के पार्ट जितनी ही है, तो उसके लिए भी मैं एक लाइन ड्रॉ कर लूंगा। इसके बाद अगर हम हेड की पोजीशन को देखें तो ये लेफ्ट साइड की तरफ थोड़ा सा टिल्ट है, और इसी तरह से शोल्डर्स भी हैं। तो हम पहले शोल्डर्स की बेस लाइन को थोड़ा सा टिल्ट कर लेंगे लेफ्ट साइड की तरफ, देन हेड की जो सेंटर लाइन है उसको भी मैं लेफ्ट साइड की तरफ थोड़ा सा टिल्ट कर दूंगा, और इसी तरह से ऊपर की जो लाइन है उसको भी। और अगर आप हेड की शेप को ऑब्जर्व करो तो ये इस तरह के एक बॉक्स में है जो ऊपर से थोड़ा नैरो है और नीचे से काफी खुला है, और बॉडी का जो अपर पार्ट है वो भी बिल्कुल ऐसे ही बॉक्स में है, ऊपर से थोड़ा सा नैरो है और नीचे से थोड़ा सा खुला है, और जो लोअर पार्ट है वो भी सेम टाइप के बॉक्स में आप इमेजिन कर सकते हो, जो ऊपर से थोड़ा खुला है और नीचे से थोड़ा नैरो है, और इसी तरह से आप ईयर्स की शेप को भी इमेजिन कर सकते हो। तो ये हमने एक बेसिक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर ली है। अब हम इन बॉक्सेस में रेफरेंस फोटो को बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व करके इनके अंदर अलग अलग पार्ट्स की आउटलाइंस को ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से।